वही कर लो, क्या करूं मतलब फिर वही तो ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नौगांव ब्लॉक के नजदीक मुंगरा गांव में अजब प्रेमी का गजब मामला सामने आया है। यहां शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर विगत 6 महीने से धरने पर बैठी हुई है और वो चाहती है कि जो उनके साथ उनके प्रेमी का उनको अपनाए। अभी हम वहीं पहुंचे हैं, पहले इनको गौशाला में रखा गया और उसके बाद जो है इन्होंने गौशाला में अपना डेरा डाला और अब अन्न कोठार जो है वो घर से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर ये सिर्फ इस इंतजारी में है कि एक न एक दिन ये परिवार इनको अपनाएगा। इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह की पड़ताड़ना और किस तरह की स्थितियाँ इनके सामने आई है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लड़का है वो उससे शादी करे और उस परिवार का हिस्सा बने। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थितियाँ हैं? सर जयलक्ष्मी नाम है मेरा, मैं और अभी परमार 3-4 साल से हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से मतलब हमारा रिश्ता था, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत मिलना जुलना सब कुछ था। जैसे कि रवि अगर देहरादून आता था तो मेरे रूम पे रुकता था, हमारी जैसे बातचीत सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारे बीच में, मतलब शादी को लेकर के कोई मतलब ऐसे मुझे लगा नहीं कभी कि मतलब ये लड़का मतलब मुझे एंड टाइम पर इस तरह से मतलब वो कर सकता है, चीट कर सकता है। तो जैसे हमारी बातचीत हुई शादी को लेकर के बात हुई, आगे बात मैंने जब कही तो लड़का ऐसे फिर अभी टाल मटोल करने लग गया कि मतलब हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ था नहीं, मतलब घर वाले नहीं मान रहे हैं। पहले तो उसने कहा कि मतलब मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ शादी हो सकती है मेरी, मतलब हमारे घर वाले मेरी मर्जी से ही शादी करेंगे। फिर अब जब हमारे जब मैंने शादी के लिए अब बोला था कि भाई हम शादी करनी चाहिए, हमें बहुत लंबा रिश्ता हो गया हम दोनों का इतने साल से मतलब करके, तो लड़का फिर टाल मटोल करने लगता है मतलब घर वालों को कि मैं बहुत मजबूर हूँ, घर वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे मेरे बात और मुझे कई तरह से मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तूने उस लड़की से शादी करी तो हम ये करेंगे वो करेंगे तुझे घर से निकाल देंगे करके। तो मैंने कहा हम अगर हमारी शादी हो जाएगी हम उन्हें समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे करके, मैंने कहा या फिर किसी के और के थ्रू मतलब हमें उन्हें समझा सकते हैं करके। फिर उसने फिर कुछ नहीं कहा, फिर ऐसे मतलब कि मैं देखता हूँ करके। फिर मतलब मैं अभी दिसंबर में जैसे हमारी बात हुई, मैंने उससे बात करी, मैं वहाँ से देहरादून से परोला आई थी उससे बात करने, फिर उस दिन भी उसने यही कहा कि घर वाले मतलब मुझे बहुत मजबूर कर रहे हैं कि तो हम तेरी शादी उस लड़की से नहीं होने दे सकते हैं और ना जाने क्या क्या मतलब बहाने बनाने लग गया। फिर हमारी
पुलिस कंप्लेंट हुई, वहाँ पे लड़के के पापा ने फिर मुझे मतलब वो दिया कि एक वादा किया कि हम शादी करेंगे आगे फरवरी में तुम लोगों की, अभी तुम कोई कंप्लेंट नहीं करो और इस तरह से जैसे भी तुम चाहोगे तुम्हारे हिसाब से हम शादी करेंगे आगे फरवरी में। फिर हम इसी बात का इंतजार करती रही, फिर हमारी बात होती रहती है मतलब कंटिन्यू लड़के के मेरे बीच में, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मतलब क्या कोई मन मुटाव या कोई भी गलत फहमी कुछ था नहीं। फिर ऐसे अभी 14-15 फरवरी को लड़का मुझे फ़ोन करता है कि तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो करके। फिर मैंने कहा मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये नहीं है करके। फिर लड़का, मैंने कहा किस चीज़ के लिए 50,000, किस चीज़ के लिए चाहिए तुम आपको, कि हमारा वो होटल लैंडर का काम पड़ रहा है तो उसके लिए मतलब हमें मिस्त्रियों को पैसे देने हैं। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो पाता है तो मैं कोशिश करूँगी। मैंने ट्राई किया पर नहीं, मैं नहीं दे पाई थी उसको मतलब। तो जैसे मैंने, फिर ये कहता है कि अपनी माँ से पैसे मांगो करके। मैंने कहा मैं अपनी माँ से पैसे नहीं मांग सकती भाई, कि अपने भाई से मांगो करके। मैंने कहा मैं अपने भाई से भी नहीं मांग सकती पैसे करके। फिर जैसे मैंने पैसे देने से मना किया, फिर उसके बाद ये लड़का मुझसे बात कम करने लग गया, मतलब बहुत कम बात करने लग गया। फिर हमारी बात हुई थी, फिर मैंने भी बात नहीं की। फिर हमारी 4-5 फरवरी को बात होती है, 5 फरवरी को हमारी लास्ट बात होती है। फिर 5 फरवरी को उस दिन भी ये लड़का मतलब अपने वहाँ तक क्लिनिक में था, बहुत ज़्यादा परेशान था, यानी कि रो रहा था बल्कि मतलब करके, कि मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ, घर वाले परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए मुझे, इस तरह से जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ मतलब करके वो घर वाले लेके जाते हैं, और इस तरह से डिप्रेशन में था मतलब करके। उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है मतलब करके उस दिन की, कि मैं किस तरह से परेशान हूँ, इसकी कुछ तबीयत खराब भी चल रही थी। मैंने कहा डॉक्टर पे दिखा दो, ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो भी पैसा मेरे पास आता है वो मेरे पापा मेरे से छीन के लेके चले जाते हैं यहाँ से, मैंने कुछ पैसा अरेंज भी किया था वो भी घर वालों ने ले लिया मुझसे। तो इस तरह की मतलब कंडीशन थी इस लड़के की। फिर मैं वहाँ से देहरादून से मैं 27-28 तारीख को वहाँ आती हूँ करके। मैंने कहा फिर मैं इससे बात करती हूँ शादी के बारे में, तो जब मैंने शादी के बारे में बात करी उस दिन मैं शॉक्ड रह गई, कहता है कि मेरी 10 दिन में शादी है करके, और 7-10 दिन में मेरी शादी है और तुम कुछ नहीं कर सकती करके, और अगर तुमने कुछ किया तो मतलब मैं फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा करके। फिर इस तरह से फिर मैं घर आ जाती हूँ, अपने घर आती हूँ, जैसे मैं घर पहुँचती हूँ घर में इसके पापा और मतलब रवि और रवि के पापा आ जाते हैं। तब तक वो हमारे घर पे बात करते हैं, रवि के पापा कहते हैं कि मतलब हमारे बेटे का तो तुम्हारे मतलब लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, ये तो दोस्त थे, ये था वो था करके। जैसे मैं अपनी बात मतलब रखने वाली थी वैसे रवि के पापा ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे खींच के हमारे घर से ले गया। फिर वहां से मैं पुलिस में सीधे पुलिस थाने चली गई वहां। मैंने कहा अब मैं इसके छोड़ूंगी, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। पुलिस कंप्लेन वहां जाती हूं, फिर वहां इनको बुलाया जाता है वहां, ये फिर बोलते हैं कि हमें 2 दिन का समय दे दिया जाए मतलब करके शादी के लिए, हमें 2 दिन का समय दो सोचने के लिए। फिर इनको 2 दिन का समय हम दे देते हैं, उस दिन भी हमने कंप्लेन नहीं की है। फिर 2 दिन के बाद फिर से ये आते हैं, फिर से कहते हैं कि मतलब हमें और समय दे दो। फिर ये 28 से 4 तक का फिर और समय मांगते हैं, फिर जो समय भी खत्म होता है। फिर ये 4 तारीख से फिर 15 तारीख तक का और समय मांगते हैं मार्च में, फिर तब भी वो समय मतलब ये मतलब मुझे इस तरह से उलझाते रहे, इस तरह से मतलब मुझे झांसा देते रहे मतलब करके, कि मतलब ये ऐसे हम इसको ऐसे उलझाएंगे और फिर बाद में ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी करके। फिर मैं 17-18 को मैं सीधे इनके मतलब यहाँ पे आ जाती हूँ, घर पे आ जाती हूँ। मैंने कहा ये मुझे इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं शादी के नाम पर, कि मतलब हम आज करेंगे कल करेंगे। तो मैं जब मैं घर पे आई, यहाँ पे घर पे आती हूँ, मेरे साथ ये बदतमीजी करने लग जाते हैं, जो रवि की माँ है उसकी भाभी है, मेरे साथ गाली ग्लौज करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे पुलिस आती है। फिर उस दिन एक सर्दनामा लिखते हैं कि मतलब हमें इससे इतने के बीच में मतलब शादी के लिए सोचने का वक्त दे दिया जाए। मैंने कहा मैं ऐसे वक्त अब नहीं दे सकती हूँ करके। इस तरह से ये मतलब सर्दनामे लिखते रहे, मुझे मतलब झांसा देते रहे शादी के लिए। फाइनली मतलब ये कोर्ट मैरिज के लिए 20 मार्च को बड़कोट आते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम शादी करते हैं, फाइनली शादी के लिए मान जाते हैं। गांव से लोग आते हैं, गवाल आते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वहां पे हमारी रिंग सेरेमनी होती है। गीता ये सब गीता के कैबिन में होता है, गीता भोगणा करके उनके कैबिन में सब कुछ होता है। मैंने फोटो खींचने के लिए बोली, मुझे नहीं था पता इनका पहले से इन्होंने एक जाल बुना हुआ होगा कि हम इस तरह से मतलब करेंगे, इस तरह से इस लड़की को फंसाएंगे। ये मुझे उस दिन फोटो भी नहीं खींचने देते हैं कि मतलब वो गीता भोगणा कहती है कि अब तो तुम ऑफिशियली मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए हैं और अब फोटो क्या कोई मतलब नहीं बनता है, फोटो खींचने से ना खींचने से कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारा कोई कुछ हो ही नहीं। फाइनली शादी के लिए मान जाते हैं, गांव से लोग आते हैं, गवाल आते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वहां पे हमारी रिंग सेरेमनी होती है। गीता ये सब गीता के कैबिन में होता है, गीता भोगणा करके उनके कैबिन में सब कुछ होता है। मैंने फोटो खींचने के लिए बोली, मुझे नहीं था पता इनका पहले से इन्होंने एक जाल बुना हुआ होगा कि हम इस तरह से मतलब करेंगे, इस तरह से इस लड़की को फंसाएंगे। ये मुझे उस दिन फोटो भी नहीं खींचने देते हैं कि मतलब वो गीता भोगणा कहती है कि अब तो तुम ऑफिशियली मतलब
हस्बैंड वाइफ हो गए हैं और अब फोटो क्या कोई मतलब नहीं बनता है, फोटो खींचने से ना खींचने से कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारा कोई कुछ हो ही नहीं सकता है करके। तो कोर्ट ने जो शादी का रहा क्या रहा उसमें, कि मतलब कोर्ट ने, तुमने कोर्ट मैरिज के दस्तावेज जमा की? मैं हाँ, हमने दस्तावेज के हमने साइन किए, उसमें सारे सबके हमारे गवाहों के साइन है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट समेट हो रखे हैं। बाद में क्या किस तरह से वो किया जाता है, मुझे घर लाते हैं, ये होटल में रखते हैं, फिर इनकी मतलब वो होती है, सारे जो रिश्तेदार थे कहते हैं मुझे कि हम एक छोटा सी घर में सेरेमनी रखना चाहते हैं जिसमें अपने गाँव और अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं और ये हम बैसाखी पे करना चाहते हैं, तब तक का तुम थोड़ा हमें समय दे दो। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, हमें इनको समय दे देती हूँ। सभी ने कहा, बड़ों ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो गई है और जब ये इतना समय मांग रहे तुम्हारे ससुराल वाले हैं तो अभी तरह तुम्हें बात माननी चाहिए। उस दिन मैं होटल में रहती हूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम वो कर लो, फिर मेरे एग्जाम थे, मैं एग्जाम देने देहरादून जाती हूँ। जैसे मैं देहरादून पहुँचती हूँ, मेरे को एक दो दिन होते हैं, तब तक मेरे को यहाँ से फोन आता है बड़कोट से कि तुम्हारे ससुर यहाँ आते, वो कहते हैं कि हम इस शादी को मानेंगे ही नहीं, हम इस शादी को खारिज करवा देंगे। फिर मैं देहरादून से तुरंत वापस होटल आती हूँ, मैं इनसे बातचीत करती हूँ, ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मतलब तुम्हें किसी ने झूठी खबर दी है, सो करके इस तरह से वो करते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, अब मतलब टाइम दो करके कि हम शादी करेंगे पक्का बैसाखी, फिर गवाह बुलाते हैं, पुलिस बुलाते हैं, फिर से लिखित बनाते हैं कि हम बैसाखी पे पक्का शादी करेंगे, फिर से मुझे देहरादून भेज दिया जाता है। फिर देहरादून से जैसे मैं दिए हुए टाइम पे वापस आती हूँ, फिर से ये लोग सीधे साफ मना कर देते हैं कि मतलब हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद मैं होटल में रहती हूँ, कुछ दिन तक होटल में रहती हूँ, उसके बाद मतलब क्या करते हैं, मेरा सामान होटल से बाहर रख देते हैं कि तुम उंगरा चली जाओ, मतलब करके मेरे ससुर कहते हैं। मैं वहां से यहाँ आती हूँ, यहाँ पे जो रवि है उसके बड़े भैया है विनोद, है वो भी है, और मेरी जो सास है रवि परमार की माँ, वो आते हैं मेरे साथ बाहर ही मतलब आंगन में बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसके भैया कहते हैं कि तुम 50 लाख रुपए लाओ एक कागज के टुकड़े से एक अंगूठी से, हम तुम्हें अपने घर की बहुत थोड़े मान लेंगे करके, नहीं तो हमारे घर से चली जाओ करके। फिर इस तरह से फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, फिर मैं यहाँ से थाने जाती हूँ पुलिस कंप्लेन करने। जब तक मैं वापस आती हूँ, ये लोग घर पे ताला मार करके वापस होटल चले जाते हैं सब लोग। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं दो दिन मैंने इसी कोठार में, उस टाइम भरी बारिश थी, मैंने इसी कोठार में दो दिन रात को गुजारा। मैंने उस टाइम मतलब कैसी कंडीशन थी उस टाइम, मतलब यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता था, इतनी बारिश, ऊपर से पूरा छत टपक रहा था यहाँ पे। मैंने पूरे भूखे दो दिन मैंने यहाँ पे काटे, इसी उसमें काटे मैंने, मैं दो दिन तक यहाँ पे रहती हूँ करके। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि अंदर आ जाओ? नहीं, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा कि तुम अंदर आओ, कोई घर पे नहीं है। जब घर के जब यहाँ पे गांव के लोग आते हैं, उन्होंने देखा कि इस लड़की के साथ मतलब ये लोग कितना गलत कर रहे हैं घर के। फिर गांव के जो हमारे जो गवाह थे आ रखे वहाँ पे कोर्ट में, जो दादाजी आ रखे थे यहाँ से, वो उनको फोन करके बुलाते हैं, फिर ये घर आते हैं, यहीं बैठते हैं, फिर यहाँ से दो तीन लोगों को और बुला के लाते हैं। उस दिन कहते हैं कि तुम दो दिन यहाँ पे छानी में रह लो, ताला खोला करके कि दो दिन रुक लो बस, उसके बाद हम मतलब इसके तुम्हारे भैया लोगों को बुलाते हैं, फिर हम बात करके हम घर में तुम्हें अंदर गृह प्रवेश करवाते हैं करके। मैं दो दिन करके यहाँ पे छानी में रहने लगे, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, पूरा एक महीना बीता, रहे लोग घर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैंने जैसे तैसे करके वहाँ पूरा कूड़ा भरा हुआ था, रहने लायक बनाया वो। फिर मैं 4-5 महीने से वहीं रह रही थी, मतलब वहाँ पे ना लाइट पानी खाने का कोई भी साधन नहीं था वहाँ पर करके। फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैंने वहाँ पे गमने ले, कभी मैं चानी से वहाँ से नदी से लकड़ी लाई, चूल्हे में खाना बनाया कुछ टाइम तक, फिर मैंने गैस सिलेंडर सब कुछ पूरा सामान ला दिया था, 5-6 महीने हो गए थे तब से मैं वहीं पर रह रही थी करके। मैं भी कुछ दिन देहरादून गई थी बीच में, और जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक मेरा पूरा सामान यहाँ से इन्होंने ताला तोड़ करके मेरा सामान पता नहीं जहाँ उठा है जहाँ ले गए होगा, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे बाद में जब पता चला कि इन्होंने यहाँ से ताला तोड़ करके सामान उठा लिया, मैं यहाँ आती हूँ पुलिस कंप्लेन करती हूँ, पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपने बात नहीं करी पुलिस के उच्च अधिकारियों से कि इस तरह से मेरे साथ पड़ताड़ना हो रही है, मेरे को मदद मिल जाए? नहीं सर, मैंने बात करी है, मैंने बहुत इनसे सबसे बात करी है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम जब शादी का प्रमाण पत्र देख, मैं शादी का प्रमाण पत्र कहाँ से लाती, जब शादी के इन्होंने शादी खारिज करवा दी चुपके से, मतलब ऐसे धोखे से शादी को खारिज कर दिया, मैं शादी का प्रमाण पत्र कहाँ से लाते। अगर शादी का प्रमाण पत्र इन लोगों को मांगना होता तो 6 महीने से मुझे यहाँ पे क्यों रहने दिया? तब तक क्या पुलिस को पता नहीं था कि यहाँ पे कोई लड़की रह रही है? तब मांगते ना, तब मुझे यहाँ से मेरा सामान बाहर फेंकते हैं। आज हर कोई कहे कि पुलिस तुम वो लाओ कि प्रमाण पत्र लाओ, तब जाके तुम यहाँ पे रह सकती हो करके।
लेकिन इसमें सारे पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं सर, इसमें कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी कोई मदद करना ही नहीं चाहता है, सब गोल मोल करके सब आपने, आपने गुहार नहीं लगाई सरकार से या प्रशासन से? नहीं सर, मैंने बहुत लगा दी, मैं डीआईजी से मिलने गई, यहाँ पे पुरोला यस्सू आते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मुझे यहाँ से धमकी देते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ करके, वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहीं जा सकती सर, मैं तो बट मैं यही आत्महत्या करूँगी या फिर मैं कहीं यहाँ से जा नहीं सकती। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हो रखी है और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरा पूरी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी एड करें। तो ये तो नहीं करा इन्होंने कि नौकरी लग जाए तुम्हारी तब मैं वो करूँ? हाँ सर, इनका मेन मकसद यही था, पहले मेरा एलटी का एग्जाम था पिछली बार, कि अगर इसका एलटी में होगा सिलेक्शन तो हम इसकी मतलब हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे, अगर नहीं होता है तो हम अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे, और मेन मकसद इन लोगों का पैसा और दहेज का ही है सर, जिसके कारण सब मेरे साथ ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अभी आपको भय नहीं लगता यहाँ पे अकेले आप रहते हैं, कोई डर नहीं लगता? लगता है, अगर मैं बैठी रहती हूँ, मैं यहाँ पे सोती नहीं, ऐसे क्यों, यहाँ से वगैरह का डर है, सांपों का डर है, यहाँ पे हर चीज का डर है, मैं यहाँ पे पता नहीं मैं कैसे कंडीशन में रह रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है जो पड़ताड़ना, ये जयलक्ष्मी जो लड़की है जो अपने प्रेमी से जो डॉक्टर है डेंटिस्ट है उससे शादी करने को लेकर के काफी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है, जो पड़ताड़ना इसको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार को और शासन को और प्रशासन को सोचना होगा कि आखिरकार इस लड़की के साथ न्याय कैसे हो और कैसे इसको मदद मिले, क्योंकि खतरे की ये जरूर है कि जो ये अन्न को उठा रहे, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सांप भी रहते हैं, तेंदुए का भी यहाँ आतंक रहता है, भय रहता है बना हुआ, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा के साथ साथ इसकी शादी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन और शासन को सोचना होगा कि इसके जल्द जो है इसको न्याय मिले। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस। जयलक्ष्मी ये बड़कोट क्षेत्र की रहने वाली है और इसने थाना बड़कोट में तहरीर दी जिसमें मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना चल रही है, और एक मुकदमा उसने एक तहरीर एसडीएम साहब को भी दी थी, तो उसमें जाँच के बाद भी उसमें मुकदमा कायम है, वो पुरोला में मुकदमा कायम किया गया है, और ये शादी का प्रकरण है, और जो लड़का पक्ष और इनके आपस में जो मन मोटा हुआ है और आपस में बात करने के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी है, इसको दोनों मुकदमा विवेचना चल रही है और न्याय मिलेगा जल्दी इस लड़के को। जी।